महीने मर जाते हैं इंतजार में, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाता, जेब में पैसे नहीं होते और घर वालों से आप मांग नहीं सकते, ठीक है। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके साथ ये कंडीशंस होगी। यात्रियों कृपया ध्यान दें, सिलेक्शन स्पेशल एग्जाम एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में असम नंबर 4 बस आएगी। जो भी व्यक्ति जो टूट पे फंस गया देखते हैं तो जॉब दिखती जाएगी इस जोन की या उस जोन की, उनका कभी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको एग्जाम में जॉब चाहिए तो आपको बस दो चीजों से दूर रहना है। पहला ये कि आप दिन भर टॉप के चक्कर में मत पड़िए कि आप इस चैनल पर जाकर टॉप देख रहे हैं, उसको जाकर देख रहे हैं। और दूसरा ये कि आपको यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की वीडियो होते हैं इन सब से बच के रहना, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आप एक सौ व्यू देखते हैं तो उसके बाद आप दो तीन चार पाँच देखते रह जाते हैं, वो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देती है। तो अगर आपको जब हम जॉब चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रेलवे में जॉब कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे MTPSC CBT1 का रिजल्ट आ चुका है और अभी तक आपने चेक भी कर दिया होगा। तो अगर आप उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज आगे जॉब के लिए, तो वो यहाँ पे रुक जाए। नहीं दोस्तों, आप CBT1 में पास नहीं हो पाए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम अभी बाकी है। ग्रुप डी में आपको क्या करना है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बच्चे यूट्यूब शॉर्ट इंस्टाग्राम रील्स पे सुबह शाम तक इट्स माई लाइफ इट्स नाउ और नेवर ये देखते हैं। और आप कभी इस लाइन का मतलब जाके देखे हैं कि इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है इट्स माई लाइफ इट्स नाउ और नेवर, मतलब ये मेरी जिंदगी है या तो अब या तो कभी नहीं। आप क्या करते हैं इट्स माई लाइफ टाइम फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स, चार घंटा पाँच घंटा उसी में जुटे पड़े हैं। दो घंटा आप अपनी टॉपिक को दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, मैथ लगाइए, साइंस लगाइए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सुबह शाम तक मैथ ही लगा रहे हैं, 5-7 मैथ लगा रहे हैं, मैथ में आ रहे उनके 20-22 नंबर, जीके साइंस रीजनिंग में 10-10 5-5 नंबर, कैसे होगा समझना आप? आपको सब चीज़ों को पढ़ते चलना है, मैथ रीजनिंग साइंस जीके जीएस सब आपको प्रॉपर आनी चाहिए। आप नॉट टेस्ट लगाइए, ठीक है, इट्स माई लाइफ इट्स नाउ और नेवर से आपको सक्सेस नहीं होगा कभी जिंदगी में। आप उसके मोटिवेशन वीडियो बनाइए, भैया क्या मोटिवेशन दिया आप अपने घर में देखो, अपने आस पास देखो, अपने परिवार में देखो, मोटिवेशन वहीं पे है। और कैसा मोटिवेशन चाहिए आपको? एग्जाम आ गए हैं सिविल में आपका नहीं हुआ, फेम हो गए आप, वो भी बचा है यूपी नेट पार है यूपी पुलिस है SSC CDM है, इतने एग्जाम दुनिया डाले छोड़ के पढ़ाई के ध्यान में। दोस्तों ग्रुप डी का जो बच्चे जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, आप भी जानते हैं उनका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आप क्या करना है, आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाना है जिसका एक मार्क टेस्ट आपको रोज देना है। कितने नंबर आए आपको ये सब नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि आप जितने ज़्यादा हो सकते उतने क्वेश्चन सही कीजिए, निगेटिव अटैम्प तो मत कीजिए। और मॉक टेस्ट में आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपके कहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, आप उन सबको प्रैक्टिस कीजिए उसको बनाइए। और अभी नया टॉपिक मत शुरू कीजिए, क्योंकि पता नहीं एग्जाम आपको कब हो, अगर हो सकता है कि कल स्टार्ट हो जाए आपका एग्जाम तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब इतना समय आपके पास नहीं बचा है। अगर आपकी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, मान लीजिए आप 25 में से 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, रीजनिंग में 30 में से 20 कर पा रहे हैं, तो यहाँ 35 आपके पक्के हो गए। अब बचे क्या, 25 क्वेश्चन बचे आपके साइंस के और 20 बचे जीके जीएस के। अगर आपने 45 नंबर लेके आ जाते हैं तो आपके 70 नंबर हो जाएंगे। आप किसी भी जोन से हो, कोई भी कैटेगरी से हो आप 70 नंबर तो ग्रुप डी की जॉब पा जाएंगे। अगर आपका रॉयल स्कोर 70 है, 70 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप ग्रुप डी का एग्जाम आराम से पास कर जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी तो होना है अभी आगे, उसमें भी तो आपके 4-5-6 नंबर बढ़ेंगे। अब आप किसी भी जोन से हो, अगर आपके 70+ नंबर आ गए तो आप फिजिकल की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें, आपकी नौकरी पक्की होगी। अब आपको करना क्या है ग्रुप डी वाले बच्चों को, हमारे चैनल पर जाइए, साइंस की वीडियोज मिल जाएंगी आपको, मैथ्स की वीडियो मिल जाएंगी, आप इन सबको देखिए मॉक टेस्ट लगाइए, यही सब कीजिए, ये सब आपका स्कोर एकदम बूस्ट कर देंगे। तो आपको क्या नहीं करना है, ये नहीं कि आप दिन भर जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं कि किताब कितनी जाएगी, इंटरव्यू कितनी गर्ल ग्रुप डी कितनी जाएगी, ये सब नहीं करना है आपको। आपको दिन में एक बार बस देख लिया किताब कितनी जाएगी, उसमें यह कि उससे आपको अंदाजा हो जाता है आपके माइंड में किताब कितनी जा सकती है। आप सुबह शाम तक बस में लगे हैं यूट्यूब में किताब कितनी जाएगी, आपका टाइम क्यों अपना वेस्ट कर रहे हैं? आपका मेन फोकस क्या है कि आपको जॉब चाहिए। अब आपको जॉब कैसे मिलेगी, दिन भर यूट्यूब शॉर्ट देख के इंस्टाग्राम रील देखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत।
देखिए दोस्तों, महीनों मर जाते हैं इंतजार में, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। जेब में पैसे नहीं होते और घर वालों से आप मांग नहीं सकते, ठीक है। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके साथ ये कंडीशन होगी, ठीक है, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उनके लिए क्या जरूरी है कि वो गिवअप ना करें। अगर आपने गिवअप कर दिया, ये सोच लिया कि नहीं गवर्नमेंट जॉब मुझसे नहीं हो पाएगी, मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, तो बस वो वहीं पर आपका निगेटिव पॉइंट आना है। आपको प्रिपरेशन करनी नहीं छोड़नी है,